अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा अली फ्रॉम ये घर का है। आज मैं निस्सल मिल्का के प्रोडक्ट से आप लोगों के सामने एक बहुत ही यम्मी और इजी रेसिपी लेके आ रही हूँ। ये वो रेसिपी है जो आप अपनी फैमिली के लिए बड़ी झटपट तरीके से बना सकते हैं, चाहे वो ईद के दिनों में हो, चाहे वो अभी जो बाकी अफ्तारियाँ रह गई हैं या सहेली रह गई है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रेसिपी। इसके लिए आपको चाहिए आधा किलो बोनलेस थाई या बोनलेस फ्रेश पीस, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, 1 teaspoon ब्लैक पेपर, 1 teaspoon कॉर्नफ्लावर, 3 से 4 ग्रीन चिलीज, जिंजर 1 teaspoon, गार्लिक 1 teaspoon, रायदाना 1 teaspoon, टोमेटो पेस्ट 1 teaspoon, व्हाइट पेपर 1 teaspoon, चिली फ्लेक्स 1 teaspoon, ब्राउन शुगर 1 teaspoon, गरम मसाला फॉर गार्निशिंग के लिए 2 से 3 लेमन जूस, 1 कप नेस्ले मिल्का का दही, 150 ml नेस्ले मिल्का क्रीम। चिकन की मैरिनेशन हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको मैरिनेट करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, हमें चिकन लेना है, ठीक है। इसके अंदर हम सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, जैसे मैं अभी फिलहाल 1 चम्मच डाल रही हूँ, और ब्लैक पेपर 1 teaspoon, फ्रेशली ग्राउंड ब्लैक पेपर 1 teaspoon हमने भर के हमने कॉर्नफ्लावर लेना है और इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसको मैरिनेट करके हम इसको थोड़ी देर रखेंगे ताकि हम दूसरी चीज़ों के प्रिपरेशन कर सकें। पैन में आप 3 से 4 चम्मच आप ऑयल डालेंगे, उसके बाद आप 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच अदरक और 4 से 5 हरी मिर्चें, 1 चम्मच रायदाना। जिससे आपको खूबसूरत सी प्यारी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए, तो जो हमने मैरिनेट किया वो चिकन था, हम सारा चिकन इसमें डालेंगे। और हमें तब तक चिकन को पकाना है जब तक ये टर्न वाइट नहीं हो जाता और हल्का हल्का सा गोल्डन नहीं हो जाता। 5 मिनट जो गुजरे आप देखिए चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो गया। एंड आई लव टू हैव बोनलेस हांडी में बोनलेस थाई, क्योंकि थाई में ना कुछ जूसेज होते हैं। और इसके अंदर अब हम डालेंगे थोड़ा मीडियम आग पर करके टोमेटो पेस्ट, 1 teaspoon हमें टोमेटो पेस्ट की डालेंगे और इसको अब हम सौते करेंगे। आग मैंने इसकी आहिस्ता कर दी और अब मैं नेस्ले मिल्का योगर्ट के साथ एक बहुत सा यमी मिक्सचर बनाने लगी हूँ। इसके लिए हमें 1 कप नेस्ले मिल्का योगर्ट चाहिए। इसमें मैं ऐड करूंगी 1 teaspoon ब्राउन शुगर डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच काली मिर्च, 1/2 चम्मच सफ़ेद मिर्च, 1 चम्मच खाने का चिली फ्लेक्स और इसको अब हम मिक्स करेंगे। ये ऐड होने लगे फ्लेवर का एक धमाका और ये सारा मिक्सचर जो है अब हम इस चिकन में डाल देंगे और इसको अब मिक्स करते हैं। फ्लेम को थोड़ा सा हाई करें जो हमने लो किया हुआ था थोड़ा सा, और अब हम इसको मिक्स करते हैं। ये जितना आपके नीचे पैन में लहसुन अदरक आपको लगता है लगा, ये सारा इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। इसकी हमें अच्छी तरह भुनाई करनी है जब तक इसका पानी खुशक नहीं हो जाता है। ये कढ़ाई मुझे इसलिए पसंद आई रेसिपी बिकॉज हम कढ़ाइयाँ तो खाते रहते हैं, बोनलेस हांडियाँ खाते रहते हैं, लेकिन इसके अंदर नेस्ले मिल्का योगर्ट और नेस्ले क्रीम है। जहाँ भी योगर्ट और क्रीम हो कैसे हो सकता है कि घर वालों को पसंद ना आए। इसके साथ बनाए गर्मा गर्म फुलके या तंदूरी रोटी और या पराठा और इसको करें एंजॉय। ये देखिए इसकी भुनाई हो चुकी हुई है, किस तरह घी आ गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, नेस्ले मिल्का क्रीम डालेंगे ml और इसको मिक्स करेंगे। सच अ क्रीमी स्मूथ टेक्सचर। इसके ऊपर हमने जो 2 नींबू का जूस निकाला था वो अब हम इसके ऊपर डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। अगर आपको लगता है कि ओ ये तीखा तीखा नहीं है, मिर्च मसाला नहीं है, आप इसके ऊपर जो गार्निशिंग है वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। जैसे अब हम गार्निशिंग करेंगे इसके ऊपर हरा धनिया, हरी मिर्ची, थोड़ा सा पत्ता देके और थोड़ा सा गर्म मसाला डालेंगे, थोड़े से फ्रेश ब्लैक पेपर डालेंगे और गार्निशिंग करेंगे। तो लेट्स टेक इट आउट।
ये हम इसका ऊपर का हल्का सा तड़का तैयार कर रहे हैं। अब इसको हम गार्निशिंग करते हैं फ्रेशली ग्राउंड पेपर और थोड़ा सा गरम मसाला। ये देखिए तैयार है योगर्ट हर्ब चिकन प्रिपेयर्ड विद नेस्ले मिल्कपैक योगर्ट और नेस्ले मिल्कपैक क्रीम। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। डू गिव इट अ ट्राई एंड गिव मी योर फीडबैक।